आज के ताजा मौसम समाचारों की अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज, तो देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की संभावना, तो देश के किन किन राज्यों में अभी और गिरेगा पारा, पूरी जानकारी देंगे आपको आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की, तो लेह और श्रीनगर में माइनस में गया है पारा, तो दिल्ली में 30 फ्लाइट्स हुई है रद्द, एमपी के अंदर कल से ठंड में और होगी बढ़ोतरी, एमपी राजस्थान और यूपी और पूर्वोत्तर भारत के 18 राज्यों में जो है आज सुबह की शुरुआत जो है घने कोहरे के साथ हुई है। वही हरियाणा पंजाब दिल्ली में कोहरे का जो है अभी रेड अलर्ट जारी किया गया है, दिल्ली में जो विजिबिलिटी जो चल रही है फिलहाल उसके कारण जो है रेल यातायात और हवाई यातायात काफ़ी प्रभावित हो रहा है। वही मौसम विभाग ने जो है उत्तर प्रदेश बिहार और पंजाब हरियाणा में कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी किया है, अरुणाचल प्रदेश समेत नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी आज बिजली कड़कने के साथ बारिश का पूर्व अनुमान है। वही दिल्ली के सरफदरगंज इलाके में जो है सुबह जो तापमान जो है 3.5 डिग्री दर्ज किया गया, वही भारी बारिश के चलते जो है जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख सहित पहाड़ी राज्यों में जो है बर्फ की चादर अभी बिछी हुई है। वही लेह में पारा -9 डिग्री गया, तो वही श्रीनगर में -5 डिग्री, मनाली में यहाँ पर तापमान जो है 2 डिग्री, शिमला में 5 डिग्री और माउंट आबू में पारा 6 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा उत्तरकाशी में 2.1 और देहरादून में 3 डिग्री, नैनीताल में 4 डिग्री सेल्सियस पारा रिकॉर्ड किया गया। पहाड़ों पर आज भी जो है कुछ इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। वही मौसम वाक्यों से जानकारी यहाँ पर दी गई है कि संभावना यहाँ पर बर्फबारी की संभावना है। वही बात अब राज्यभर मौसम विभाग के समाचारों की कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज एमपी यानी मध्य प्रदेश के मौसम की, तो भोपाल इंदौर समेत कई जिलों में जो है बादल अभी छाए हुए हैं। मध्य प्रदेश में 2 दिन बाद जो है कड़ाके की ठंड के आसार जताए गए हैं। दरअसल बात यह है कि उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ अभी एक्टिव हो रहा है, एमपी में जो है कल से इसका ज़्यादातर असर देखने को मिलेगा। भोपाल इंदौर समेत कई इलाकों में बादल छाने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक सिस्टम के गुजरने के बाद एक बार फिर से जो एमपी में ठंड का अटैक शुरू हो जाएगा, यानी ठंड जो है वो तेज़ होने के आसार जताए गए हैं। वही यूपी के मौसम की बात करें तो यूपी में जो है मेरठ जो है वहां पर पारा जो है 2.9 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया। वही 18 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। 3 दिन से जो है फिलहाल ठंड से राहत यहां पर नहीं मिली है, 3 दिन तक और भी जो है राहत मिलने के आसार नहीं है। वही मतलब 3 दिन ठंड से राहत मिलने कोई भी आसार नहीं है। वही मौसम विभाग की ओर से जो जानकारी दी गई इसके मुताबिक उत्तर प्रदेश के अंदर जो है 18 जिले ऐसे जहाँ पर आज शीतलहर को लेकर अलर्ट है। वही 19 जिलों में घना कोहरा छाया यहाँ पर रहा और आगरा वाराणसी में विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी यहाँ पर कम दर्ज की गई। वही ठंड के चलते कई जिलों के अंदर जो है स्कूलों की जो छुट्टियाँ भी है बढ़ाई गई है। वही गोरखपुर में जो है 8वीं तक के सभी स्कूलों को यहाँ पर 12वीं तक के सभी स्कूलों को जो है 18 तारीख तक बंद कर दिया गया। वही बात अब बिहार के मौसम की भी कर लेते हैं, तो बिहार के मौसम को लेकर आज क्या कुछ अपडेट्स निकल के आ रहे हैं, क्या कुछ जानकारी आ रही है बिहार के मौसम को लेकर, तो बता दें कि बिहार में जो है बांका मोतिहारी में पारा 6 डिग्री तक पहुंचा है, तो वहीं कई इलाकों में जो है कोहरा जो है उसका अटैक देखने को मिल रहा है, कोल्ड डे का अलर्ट भी यहाँ पर जारी हुआ है। दरअसल बिहार राज्य के अंदर जो है पिछले 3-4 दिनों से जो है कई इलाकों में कोल्ड डे जैसी स्थिति बनी हुई है। आज भी जो है 25 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया, 13 जिलों में यहाँ पर ऑरेंज और यहाँ पर 13 जिलों के अंदर येलो और 25 जिलों के लिए कोल्ड डे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में पिछले कई दिनों से लगातार उतराव चढ़ाव जो है बिहार के अंदर देखने को मिल रहा है। वही लोगों को अभी ठंड से राहत फिलहाल यहाँ पर नहीं मिल रही है, आगामी दिनों में राहत के जरूर आसार है। वही झारखंड के मौसम की अगर बात करें तो झारखंड में भी जो है कोहरा और धुंध का अलर्ट जारी किया गया है। कई शहरों में जो है बारिश की भी संभावना जताई गई है, यानी कई जिलों में बारिश हो सकती है, जिसमें यहाँ पर कल की अगर तापमान की बात करें तो गुमला जो इलाका है, पालुमू वहाँ पर पारा जो है 3 डिग्री के आसपास गया। वही झारखंड के कई जिले से जहाँ पर कोहरा और शीतलहर चल रही है, मौसम विभाग ने भी आज कई जिलों में कोहरे और धुंध को लेकर भी अलर्ट जारी किया है और कुछ इलाकों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया। इसके बाद जो है ठंड थोड़ी यहाँ पर बढ़ेगी, यानी ठंड में बढ़ोतरी होगी और मौसम विभाग की माने तो जो है 19 तारीख तक इसी तरह का मौसम झारखंड के अंदर रहने वाला है। जैसा जो है आज जैसा मौसम है वैसा जो है आगामी दिनों में जो है ऐसा ही मौसम रहने का पूर्वानुमान जताया गया मौसम विभाग की ओर से। यहाँ पर ये जानकारी निकल के सामने आ रही है कि आगामी दिनों में जो है मौसम में उतराव चढ़ाव की स्थितियाँ जो है वो देखने को मिल सकती है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें और इसके अलावा हमें कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आप इस वीडियो को देख कहाँ से रहे हैं।